इस मूवी की कहानी शुरू होती है चीन के प्राचीन काल में, जहां रेनजोंग सम्राट के शासन के दौरान एक समूह यूरोपीय भाड़े के सैनिक बारूद की खोज में चीन जाते हैं। लेकिन रास्ते में यूरोपियन व्यापारी को कुछ लुटेरे उनके साथ हमला करते हैं, जहां कई सारे व्यापारी मर जाते हैं। उस यूरोपियन व्यापारी में से विलियम और पैरो को दिखाया जाता है। रात का समय था, वे लोग एक जगह पर बैठे रहते थे और बातें कर रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कुछ हलचल हो रही है। इतने में उन लोगों के कई साथी अचानक गायब हो जाते हैं, मानो किसी ने पकड़ के ले गया हो। लेकिन इतने तेज थे कि उन लोगों को समझने में कोई मौका ही नहीं मिलता। अब विलियम और पैरो खतरे महसूस करके उन लोगों ने अपनी तलवार निकालते हैं और उस चीज का सामना करते हैं। वह खतरनाक जानवर तेज तो था, लेकिन विलियम और पैरो भी बहुत तेज थे। जब वो जानवर उन लोगों पर हमला बोलते हैं, उन लोगों ने बड़ी चालाकी से अपनी तलवारों से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतने व्याघ्र जानवरों को जिंदगी में पहली बार देखा है, इसलिए जानवर के कटे हुए एक हाथ को साथ रखकर अगले ही दिन वहां से निकल जाते हैं, ताकि आगे किसी से जाने कि वे जानवर हैं क्या। विलियम और पैरो आते हुए चीन की महान दीवार यानी ग्रेट वॉल पर पहुंच जाते हैं, जिसका नेतृत्व जनरल शाओ और स्ट्रेटेजिस्ट वांग करते हैं। उन लोगों ने साथ लाई हुई सभी चीजें जब्त कर ली। तभी नेमलेस के जनरल को देखते हैं कि उन लोगों के साथ उसी जानवर के कटे हुए हाथ हैं, जिसे चीन की नेमलेस सेना हर साल युद्ध करती है। वास्तव में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जानवर का नाम है टाउ ताई, और नेमलेस ऑर्डर का अस्तित्व ताउ ताई एलियन राक्षसों से लड़ने के लिए है, जो एक एस्ट्रॉइड से आए थे और हर साल में एक बार हमला करते हैं। ऑर्डर के कमांडर पहले हमले से हैरान होते हैं, जो एक सप्ताह पहले आया था। नेमलेस के एक लेडी कमांडर होती हैं, जिनके नाम है लिन मे। लिन मे को इंग्लिश आती है, इसलिए विलियम और पेरो से सवाल करती है कि तुम लोगों को ये कहां से मिला। विलियम बताते हैं कि इसे हमने अपनी तलवार से मारा है। इतने खतरनाक टाउ ताई को वे अकेले दोनों ने मार देते हैं। ये बात नेमलेस आर्मी को विश्वास नहीं होते, लेकिन उन लोगों की तलवार में लगी हुई टाउ ताई की खून को देखकर उनका विश्वास बन जाता है। तभी एक सेना आती है और जनरल को आपातकालीन घोषणा करते हैं कि उन पर हमला हो रहा है। तब सारी सेना ग्रेट वॉल पर चले जाते हैं और साथ में विलियम और पैरो को भी वहां लेकर बंधक बनाकर रखते हैं। थोड़ी देर बाद ताउ ताई का एक झुंड दीवार पर हमला करता है। नेमलेस सेना हमला करने के लिए तैयार होती है। तभी विलियम और पैरो को पता चलता है कि ग्रेट वॉल पर हमला कोई इंसान नहीं, बल्कि एलियन टाउ ताई करता है। नेमलेस सेना और टाउ ताई के बीच घमासान युद्ध होते हैं। तभी टाउ ताई की रानी आ जाती है। टाउ ताई की रानी की दो खास बातें थीं। एक, उनके चारों तरफ के बॉडीगार्ड्स होते हैं जो रानी को संरक्षित करते हैं, और दूसरी बात, रानी की एक शक्ति थी जो टेलीपैथी के जरिए टाउ ताई सेना के साथ कनेक्शन थी। नेमलेस सेना ने रानी को देखकर रानी पर हमला करने के लिए बोलते हैं, लेकिन रानी के बॉडीगार्ड्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि रानी को एक खारोज भी चोट नहीं लगती। रानी ने सारे टाउ ताई सेना को ग्रेट वॉल के ऊपर जाने के लिए सिग्नल देती है। तभी दो ग्रेट वॉल के ऊपर चले जाते हैं और एक एक नेमलेस सेना को मार देते हैं। ये देखकर विलियम और पैरो हैरान हो जाते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन दोनों को बांध कर रखा है। लड़ाई के दौरान विलियम और पीरो को बैलार्ड द्वारा मुक्त किया जाता है, जो 25 साल पहले पूर्व में आया एक अन्य यूरोपीय है। हिरासत में वह अब एक अंग्रेजी और लैटिन शिक्षक के रूप में कार्य करता है। विलियम और पेरो अद्भुत युद्ध कौशल प्रदर्शित करते हैं। युवा योद्धा पेंग योंग की जान बचाकर वे दो क्रीचर को मार डालते हैं। दोनों पक्ष भारी नुकसान उठाते हैं, इससे पहले कि क्रीचर की रानी हमला रोक देती है। युद्ध समाप्त होने के बाद विलियम और पैरो एक नए रूप में दिखाए जाते हैं और नेमलेस आर्म्ड के पास आते हैं। सभी ने विलियम और पैरो की बहादुरी देखकर उन्हें ऑर्डर का सम्मान प्राप्त होता है। उसके बाद विलियम, पैरो और बेलार्ड तीनों यूरोपीय गुप्त रूप से बारूद चुराने और अगले क्रीचर्स हमले के दौरान भागने की योजना बनाते हैं। लेकिन विलियम को यह बात अच्छी नहीं लगती। उस रात दो ताऊ ताई दीवार के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं।
लेकिन ताओ ताई इंसान से काफी शक्तिशाली और बुद्धिमान होते हैं। दोनों ताओ ताई दो तरफ से आर्मी पर हमला करते हैं। इस हमले में जनरल शाओ की मृत्यु हो जाती है, जिससे कमांडर लिन को नामलेस ओनर्डर का नेतृत्व सौंपा जाता है। इस समय के आसपास राजधानी से एक दूत एक प्राचीन स्क्रॉल लेकर आता है, जो सुझाव देता है कि राक्षस चुंबकों द्वारा शांत हो जाते हैं। लेकिन ये काम करेगा या नहीं, यह बात किसी को मालूम नहीं होती है, क्योंकि यह सिर्फ एक प्राचीन चीन की पुस्तक में लिखी हुई बस एक थ्योरी है। तभी विलियम आगे आकर बोलता है कि कल जब क्रीचर्स आक्रमण करेगा, तब हमें एक क्रीचर्स को जिंदा होकर नहीं होगा और ये थ्योरी टेस्ट करना होगा। ये बात सुनकर पैरो और बेलार्ड गुस्से होते हैं, क्योंकि प्लान के मुताबिक कल क्रीचर्स आक्रमण करने से पहले ब्लैक पावर चुराकर यहां से भागना है। क्रीचर्स को पकड़ने के लिए नेमलेस आर्मी रातों रात वेपन तैयार कर रही होती है। अगले ही दिन नेमलेस आर्मी हमले के लिए तैयार होती है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि उस दिन इतनी कोहरा थी कि आर्मी एक भी क्रीचर देख नहीं पाती। अब उन लोगों के लिए हमला कर पाना बेहद मुश्किल होगा। वे लोग इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक ताओ ताए आकर एक एक को मारने लगते हैं। नेमलेस आर्मी भी हमला करती है, लेकिन कोहरे के कारण बहुत मुश्किल होता है। तभी नेमलेस आर्मी ने क्रीचर्स को पकड़ने के लिए बनाई हुई वेपन नीचे फेंक देते हैं, ताकि किसी एक भी फंस जाए। वॉल के नीचे कई सारे क्रीचर जंजीर से फंसे हुए थे, पर क्रीचर भी बेहद इंटेलिजेंस होते हैं। क्रीचर्स को पता लग चुका था कि आर्मी ने पकड़कर उन लोगों के ऊपर रिसर्च करेगा, इसीलिए कुछ क्रीचर आकर एक एक को हथियार से निकालने लगते हैं। तभी विलियम अपनी जान की बाजी लगाकर जंजीर के जरिए नीचे आ जाते हैं और एक दो क्रीचर को मार देते हैं। विलियम को भी कोहरे से दिक्कत होती थी, नीचे काफी खतरनाक हो चुका था। कोहरे की वजह से कब किस तरफ से आकर विलियम पर अटैक करेगा पता नहीं चलेगा। तभी एक क्रीचर अचानक विलियम पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसी वक्त पैरो आ जाते हैं और विलियम को बचा लेते हैं। हालात को गंभीर देखकर नेमलेस आर्मी ने पहली बार गन पाउडर वाली वेपन इस्तेमाल किया। जी पाउडर को ढूंढने विलियम, पैरो और उसके साथी यहां आए थे और वही पाउडर चुराकर भागने का प्लानिंग कर रहे थे। गन पाउडर वाली वेपन इतना खतरनाक था कि एक वेपन इस्तेमाल करने से कई बार ब्लास्ट होता था। इसी तरह बहुत सारे क्रीचर मर जाते हैं और विलियम, पैरो और एक क्रीचर को वॉल के सीक्रेट दरवाजे से अंदर ले आते हैं। क्रीचर को एक पिंजरे में रखा गया और उसके पास एक मैग्नेट ले आया गया, ताकि यह प्राचीन सिद्धांत काम करता है या नहीं। जब मैग्नेट को क्रीचर के पास ले जाया गया, तभी टाओ टाए शांत हो जाते हैं। इसे देखकर सभी को खुशी होती है, क्योंकि अब इसके जरिए टाओ टाए को खत्म करना आसान होगा। हालांकि इंपीरियल दूत जीव का दावा करता है और इसे सम्राट को प्रस्तुत करने के लिए राजधानी ले जाता है। एक तरफ यह पता चला है कि पिछले हमले एक विचलन थे, ताकि ताओ ताई दीवार के आधार पर एक सुरंग खोद सके। जब लिन इसकी जांच करती है, तो वार और बेलार्ड बारूद चुरा लेते हैं और भाग जाते हैं। गैरिन को उन्हें रोकने की कोशिश करते समय बेहोश कर देते हैं। विलियम को नामलेस ऑर्डर द्वारा उनके स्पष्ट विश्वासघात के लिए गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें दीवार में कैद कर दिया जाता है। कुछ दूरी पर बेलार्ड तोवार को धोखा देता है और उसे छोड़ देता है। बाद में बेलार्ड को डाकुओं द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो गलती से पाउडर को आग लगा देते हैं, जिससे पश्चिमी और खुद डाकुओं की मौत हो जाती है। कमांडर लिन को एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि तावताई को कैसे खत्म करे। वे कैपिटल जाकर तावताई से फाइट करने का फैसला करती है, जहां तावताई आर्मी सुरंग के जरिए कैपिटल में घुस गई थी। लेकिन बात यह थी कि कैपिटल यहां से दो दिन के सफर को तय करना होगा, लेकिन तब तक तावताई कैपिटल जाकर पूरे कैपिटल को ही खत्म कर देगा। इसलिए कमांडर लिन और बाकी सारे आर्मी के साथ लिन हॉट एयर बैलून के उपयोग का आदेश देती है और विलियम को जाने से पहले मुक्त कर देती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शैन को, जहां दूत ने तावताई के एक जीव को मैग्नेट लगाकर किंग के पास ले आया था, शैन ने दूसरे लोगों को डराने के लिए और मैग्नेट को थोड़ी दूर से काम करेगा या नहीं यह चेक करने के लिए पिंजरे से मैग्नेट को हटा देता है। अब गलती तो इसने कर दी है। तभी जानवर अचानक जीव जागता है और अपनी स्थिति अपनी रानी को प्रकट करता है।
जो ताऊ ताई को हमला करने का संकेत देती है। अगली सुबह जब जनरल लाइन और विलियम राजधानी पहुंचते हैं, तब तक टाउटे पूरी राजधानी पर हमला कर चुके थे। पूरी राजधानी तबाही के कागर पर थी और बहुत सारे मासूम लोग मारे जा चुके थे। टाउटे की हमले के दौरान एक बार तो जनरल को भी मारने ही वाले थे, पर विलियम वहां आ जाता है और लिन को बचा लेते हैं। और फिर जनरल लिन, विलियम और मुख्य सलाहकारी एक साथ क्वीन को मारने के लिए प्लान बनाते हैं। उन्होंने साथ लाई हुई ताऊ ताऊ के जीप को बम और बारूद लगाकर क्वीन के पास भेजना चाहते थे। जब वे क्वीन के पास पहुंचेंगे, तब विलियम उससे धमाके वाले तीर से क्वीन सहित सभी को मार देंगे। ताऊ ताई को छोड़ने के बाद लिन और गैरिन एक मीनार पर चढ़ते हैं ताकि गैरिन विस्फोटकों को तीर से उड़ा सके। वांग लिन और गैरिन को ऊपरी मंजिल तक पहुंचने का समय दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है। गैरिन के दो तीर ताऊ ताई रानी के अंगरक्षकों द्वारा रोक दिए जाते हैं। रानी महसूस करती है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए अपनी सेना को सिग्नल देती है कि सभी टावर को खोजे। दूसरी बार तीर जब विलियम द्वारा मिस होते हैं, रानी को नजर आ जाती है कि सामने वाले टावर से इंसान उन पर हमला कर रहे हैं। तभी रानी ने सारे सेना को सामने वाले टावर पर विलियम और जनरल लिन को मारने के लिए सिग्नल देती है। अब हालात को बिगाड़ते हुए देखकर विलियम और जनरल लिन टावर को छोड़ने पर मजबूर करते हैं। उन्होंने एक तरीका अपनाया। जब उन लोगों ने रोप की सहायता से टावर से बाहर छलांग लगाई, तब विलियम ने प्रिंस चुंबक को भीड़ में फेंक देता है, जिससे ढालों में एक अंतर बनता है और लिन का भाला रानी को लग जाता है। रानी मर जाती है और बाकी का झुंड मर जाता है। अब चीन में हमेशा हमेशा के लिए सालों से चली आई ताऊ ताई के साथ युद्ध समाप्त होते हैं। विलियम ने नेमलेस ऑनर्डर को काफी मदद करते हैं, इसीलिए जनरल लिन विलियम को उपहार के तौर पर ब्लैक पाउडर देते हैं। लेकिन विलियम ब्लैक पाउडर को स्वीकार न करके अपने दोस्त पैरो, जो अब इस वक्त कैद में है, उसे आजाद करने के लिए बोलते हैं। पैरो कैद से आजाद होने के बाद विलियम और पैरो आखिरी बार जनरल लिन को अलविदा कहते हैं और चीन से अपने देश की ओर रवाना होते हैं। और यही पे इस कहानी की अंत होती है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, कृपया कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और हमारे एपिसोड आपको अच्छे लगते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक धन्यवाद।